हाय एवरीवन, दिस इज सुभाषिस। न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है। इतने लोग कार पसंद करते हैं, डेफिनेटली वीडियो को पसंद करेंगे। तो लैम्बोर्गिनी की तरफ से उन्होंने एक इवेंट इन द सेंस उनका कार लॉन्च होने वाला है, तो इनवाइट किया है। मैंने उनको पहले से बता दिया कि कोई प्लान नहीं है मेरा और गाड़ी खरीदने का। एक ड्रीम था कि नहीं, लैम्बोर्गिनी 30 से पहले लेने का, वो ले चुका हूँ और कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो उन्होंने बोले कि नहीं, V12 इंजन है, लास्ट सेगमेंट है, मतलब ये हाइब्रिड है, उसके बाद धीरे धीरे उन लोग इलेक्ट्रिक कार के ऊपर जाने वाले हैं। तो जो NR कार होता है, नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन रहता है, वो बंद होने वाले हैं। तो उसके लिए मैं सोचा चलो देख के आते हैं कैसे दिखता है एंड ऑल, क्योंकि मैंने प्राइसिंग एंड ऑल अभी गूगल कर रहा था, बाद में आपको पता चलेगा कौन सा गाड़ी एंड ऑल। जितने लोग फॉलो ऑलरेडी करते हैं या फिर गाड़ी ब्लॉग्स ये सारे देखते रहते हैं, तो उन लोग को ऑलरेडी पता होगा कौन सा कार है, बट सुपर कार है। तो इन डिटेल्स में हम लोग देखते हैं कैसा है। मुझे इतना लग रहा है कि उन्होंने बता रहे थे कि 2-3 पीस बाकी है, इसका मतलब जितना आ रहे हैं ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुके हैं लॉन्च से पहले, और अभी प्राइस रिवील होने वाला है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके का इवेंट रहता है। मेरा इंटरेस्टिंग है कि नहीं, कुछ गाड़ियाँ आई भी होंगी दूसरे ओनर्स के, क्योंकि बुलाए हैं तो बहुत सारे ओनर्स वहाँ पे गए होंगे इंटरेस्टेड। तो देखते हैं किस तरीके का ये रहता है इवेंट। चल रहा है, मैं इनको शूट करूँ, ये मुझे शूट करेंगे। देखो थोड़ा क्या दिख रहा है। Ladies and gentlemen, thank you so much for joining us here today. We launch a new V12. It's something that happens once every year in a decade, so we are really emotional to have a new V12. Feel alive. You're still my favorite queen of the night. A friend, let's drive up again. Let's drive up again. Let us where we fall. Once know what's right. A friend, let's drive through the night. Let's drive through. तीन उरुस है, एक यहाँ पे परफॉर्म आते हैं, यहाँ पे नॉर्मल वाला उरुस है, वहाँ पे एक येलो कलर का उरुस है, यहाँ पे एक आई थिंक एवेंडेडो दिख रहा है, पता नहीं। और यहाँ पे हमारा तो हम लोग का लैम्बोर्गिनी इवेंट में बुलाए थे। मैं थोड़ा सा कार के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा क्रेज, ऐसा नहीं कि मुझे सभी गाड़ियां लेना है या फिर मैं ऐसा कुछ प्लान बन रहा है, बस ऐसे ही कि नहीं होता है ना, हम लोग जब गाड़ियां देखते हैं तो लगता है कि नहीं वाह बहुत अच्छी गाड़ी है, तो देखते हैं अप्रिसिएट करते हैं, फिर कितना सीसी है, कितने जाती है 0 से 100, ये सारी चीजें। तो अभी लैम्बोर्गिनी का नया जो लॉन्च हुआ रेवाल्टो, आप लोगों ने देखा, मतलब आई थिंक इनका जो V12 नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन होता है, जो उसको NR बोलते हैं, वही चीज लास्ट सेगमेंट होने वाला है। तो इंडिया के अंदर ये 20 से 22 गाड़ियां आएंगी और इट्स कॉस्टिंग मोर देन 10 CR। तो दैट मींस अगर ये बाहर कोई खरीदेगा इंडिया के बाहर, विच इज कॉस्टिंग 5 CR, क्योंकि हम लोग का 100% ड्यूटी लगता है, फिर उसके बाद 10, 20, 30 डिपेंड ऑन, उसके बाद फिर रोड टैक्स एंड ऑल। तो ऑन रोड तो मुझे लग रहा है ये मोर देन 11-12 crore तक भी जा सकता है। एंड V12 इंजिन है, तो जितने लोग को पता होगा कार के ऊपर डू लेट मी नो। और लैम्बोर्गिनी का जो प्लान है आने वाले टाइम में, 4-5 साल के बाद उन लोग फुल्ली इलेक्ट्रिक बनाने वाले हैं। तो मुझे लग रहा है कि नहीं, ये गाड़ियां जो भी देंगे उन लोगों को बहुत अच्छा एप्रिसिएशन भी मिलने वाला है, या फिर प्राइस ज्यादा डिक्रीज नहीं होगा, क्योंकि V12 और बनने वाला नहीं है। जैसे पुराने कार में होता था कि कोई अच्छा अगर इंजन का गाड़ी है तो बहुत अच्छे रेट में बिकता है बाद में, उस काइंड ऑफ सिनेरियो में। तो मैंने उनसे पूछा कि बहुत कॉस्टिंग है, तो उन्होंने मुझे बताया कि नहीं, एक और कार है जो मुझे भी आइडिया नहीं था लैम्बोर्गिनी के ऊपर, क्योंकि मेरा एक ही ड्रीम था कि नहीं 30 से पहले मैं एक लैम्बोर्गिनी ले लूं, जो कि फुलफिल हो चुका, बकेट लिस्ट हो चुका मेरा, फिर उसके बाद कोई प्लानिंग ऐसा था नहीं। तो उन्होंने बोला कि स्टेराटो करके एक गाड़ी है जो लैम्बोर्गिनी वाला ने 15
1500 पीसेस बस लिमिटेड निकाले हैं और इंडिया के अंदर भी वो हार्डली 15 पीस मिलेगा, तो वो सबसे ज्यादा अच्छा है, कॉस्ट इफेक्टिव भी है। समय अराउंड 6 करोड़ के आसपास कुछ जाएगा एंड दैट्स द बेस्ट कार। मैंने बोला क्यों बेस्ट, क्योंकि उन्होंने बोला कि वो बाय डिफॉल्ट जैसे परफॉर्मेंस का रैली मोड होता है एक कि नहीं आप डर्ट में भी चला सकते हो एंड ऑल, तो वो भी डर्ट में चला सकते हो और थोड़ा सा ऑफ रोडिंग भी कर सकते हो, क्योंकि उसका ग्राउंड क्लियरेंस मिनिमम जो स्टार्ट होता है 171 mm से होता है। नॉर्मल इनका ग्राउंड क्लियरेंस 120-130 उसके आसपास रहता है नॉर्मल गाड़ियों का, तो ये 40 mm 170 मतलब आई थिंक मेरे पास जो BMW है वो भी 165 mm है, विच इज़ वेरी कंफर्टेबल, मुझे ऑलमोस्ट मतलब नेग्लिजिबल है, कहीं पे एक बार कभी स्क्रैच हुआ तो नीचे लगा घिस गया तो अलग बात है, अदरवाइज कभी ऐसा कुछ सिनेरियो आया नहीं है जहाँ पे इशू आया एंड उरुस में भी कभी ऐसा इशू आता नहीं है क्योंकि वो भी हाई ग्राउंड क्लियरेंस है, ये उरुस से भी थोड़ा सा ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है। मुझे वो बोले कि नहीं ये ज़्यादा कंफर्टेबल है एंड आप कहीं पे भी चला सकते हो और स्पेशली इन इंडिया रोड ये बेस्ट कार होगा सुपर कार के अंदर। फिर उन्होंने बोला कि नहीं एक पीस है अगर आपको आके देखना है, तो फिर मैंने कल गया था उसको देखने के लिए। तीन डिलीवरी किया आई थिंक दिल्ली इज वन एंड मुंबई इज वन। अच्छा मेरा जो सीट है वो थोड़ा सा अलग है राइट, आपका कंफर्ट सीट है। अच्छा अच्छा दिख रहा है, अच्छा है सर, गोल्डन लुक है, ये पता नहीं चल रहा है ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा है ये लीजिए सर पता नहीं मैं दो तीन वीडियो देख रहा था दे आर कुछ लीक्स एक्चुअली अमेजिंग एंड V10 का इंजन है, ये भी लास्ट सेगमेंट है, तो इसका मतलब जो भी ये गाड़ी खरीद रहा है चांसेस आर वेरी है कि नहीं लिमिटेड पीस से इंडिया में 15 पीस आ रहा है 6 करोड़ के आसपास गिर रहा है, मुझे नहीं लगता है कि नहीं इसका वैल्यू डिप्रिसिएशन होने वाला है। और बहुत ही अच्छा लुक था, व्हाइट कलर के अंदर था, मैंने जो देखा क्लिप आप लोग देख रहे होंगे एंड उसका आवाज साउंड बहुत ही नेक्स्ट लेवल था। थोड़ा सा उसका ना पावर आई थिंक 10 PS एंड ऑल कम है एंड जो स्पीड के अंदर भी देखेंगे नॉर्मल हुरकेन से, ये हुरकेन स्टेराटो ऐसा कुछ बोलते हैं इसको, और जस्ट मिली सेकेंड का कुछ फर्क है क्योंकि इसको थोड़ा सा ट्यून किया गया है, लेकिन आवाज एंड ऑल बहुत अच्छा है एंड टायर थोड़ा सा कंफर्टेबल टायर है, मतलब आप जैसे इंडियन रोड है राइड 170 mm मतलब नॉर्मल सेडान कार आराम से कहीं पे भी जा सकते हो, तो वो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है, अच्छा एक प्रोडक्ट हो सकता है इंडिया के लिए एंड आई थिंक ऑलमोस्ट सोल्ड आउट है, एक ही पीस आई थिंक एक या दो पीस कुछ बचा हुआ है उन लोग दिखा रहे थे एंड ये सब गाड़ियों का ऐसे भी एक साल की ज्यादा वेटिंग पीरियड है। बस आपको दिख रहा होगा कि थोड़ा सा मैं कार के ऊपर, मुझे कोई प्लान नहीं था रिसर्च करने का, बस उन्होंने बताया मैंने देखा एंड बस जो देखा मैं आपको साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, ऐसा नहीं कि खरीदना ही है या प्लान करना है, बट हाँ सबको पसंद आता है कि नहीं जब आवाज सुनते हैं एंड ऑल, स्पेशली लोग बाइक पसंद है, मुझे बाइक एक्चुअली बिल्कुल पसंद नहीं है, बहुत सारे लोग थोड़ा सा सोच रहे होंगे सर बाइक कैसे पसंद नहीं, मुझे थोड़ा बाइक पसंद है, मुझे कार सी पसंद है। और ये गाड़ी का अगर स्टेराटो आप जो अगर यूट्यूब करके भी देखोगे उसका रैली मोड के अंदर जो ड्रिफ्ट करते हैं या फिर डर्ट मोड में चलाते हैं खराब रास्ते में चलाते हैं, तब आपको बहुत अच्छा लगा कि एक सुपर कार वहां तक भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, तो लैम्बोर्गिनी बहुत अच्छा कार बनाया है एंड ऑल। तो चलिए ये ब्लॉग को मैं ओवर करता हूँ, जस्ट मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता था क्योंकि मुझे भी कार पसंद है, तो मुझे भी पता है बहुत सारे लोग पसंद होगा, तो बस मुझे बुलाए थे तो मुझे लगा कि नहीं आप लोगों से शेयर करना चाहिए एंड उन लोग कुछ ना बुल रन करके भी प्लान कर रहे हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स अगर आप लोगों को चाहिए, क्योंकि उन लोग मुझे बुलाते रहते हैं, मैं ज्यादा जाता नहीं हूं, मैं अगर आप लोग बोलोगे जाना है तो मैं ट्राई करूंगा जाऊंगा एंड अगर कुछ मुझे कार कुछ पसंद आता है दिखता है सामने से मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगा। तो फिर उसके बाद हम लोगों का कुछ ट्रिप है, कुछ अदर बकेट लिस्ट है, उसको कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे ब्लॉग ओवर करता हूँ, डू लेट मी इन द कमेंट बॉक्स अगर आपको चाहिए नेक्स्ट वाला ब्लॉग, तो फिर मैं हम लोग उस हिसाब से प्लान करेंगे। थैंक यू।